हे गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिमालय प्यूरीफाइंग नेम फेस वॉश की। तो ये फेस वॉश बहुत ही पुराने टाइम से चलते आ रहा है और इसकी डिमांड अभी भी कम नहीं हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फेस वॉश आपके स्किन के लिए अच्छी है या बुरी है, और ये क्या सच में आपके पिंपल्स को कम करता है या नहीं, और अगर आप इसे रोजाना यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है क्या यह आपके स्किन के लिए सेफ है या नहीं, क्या यह फेस वॉश आयुर्वेदिक है या इसमें कोई हार्मफुल केमिकल ऐड किया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस फेस वॉश की बात करते हैं। यह है हिमालय प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश और नीचे लिखा है प्रिवेंट्स पिम्पल। तो गाइस, यहाँ पे बात आता है कि यह सच में आपकी फेस की पिम्पल्स को कम करता है या नहीं। तो जी हाँ, यह फेस वॉश आपकी फेस की पिंपल्स को कम करता है। लेकिन अगर आपके फेस पर थोड़ी बहुत पिंपल्स है तो, अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स है तो आपको किसी अच्छे स्किन केयर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। यह फेस वॉश से आपकी पिंपल्स कम नहीं होंगे। और गाइस, ये जो फेस वॉश है ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। स्पेशली ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपके ऑयली स्किन है तो ये फेस वॉश ऑयल कंट्रोल नहीं करता है, तो इससे यूज़ करने के बाद भी आपके फेस पर ऑयलीनेस फील होगी। तो जिनके ऑयली स्किन है वो विंटर में यह फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर बात आता है कि यह फेस वॉश आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या नहीं। तो मेरा आंसर है कि नहीं, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इस फेस वॉश में कलर और फ्रेग्रेंस ऐड किया हुआ है और साथ में इसकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो भी हाइड किया हुआ है। तो अब ये बिल्कुल भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन इस फेस वॉश में नीम एंड टर्मेरिक दिया हुआ है जो आपकी फेस की पिम्पल्स को बढ़ने नहीं देता। कभी कभी यह फेस वॉश किसी के स्किन पर बहुत अच्छी तरह से सूट करता है, और लेकिन हर किसी के स्किन टाइप अलग होते हैं, तो किसी का सूट करता है और किसी को नहीं करता है। तो यह फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो, सेफ है, लेकिन लंबे टाइम तक आप यूज़ मत करना, क्योंकि इसमें केमिकल ऐड किया हुआ है जो बिल्कुल भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है। तो यह था आज की हिमालय नीम फेस वॉश की रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना ना भूले, ताकि मैं इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी तो आप मिस ना करें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।